गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भगवती ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ भगवती ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। जैसा कि हम जानते हैं कोरोना काल चल रहा है, तो इस कारण से हम आपके लिए जो भी स्टडी कराएंगे ऑनलाइन के माध्यम से कराने वाले हैं। तो इसी के अंतर्गत आज हम अपना पेपर स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट इकोलॉजी। ये कौन सा? प्लांट इकोलॉजी पादप पारिस्थितिकी, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है यूनिट नंबर थर्ड का पॉपुलेशन इकोलॉजी। ठीक है, अर्थात समष्टि पारिस्थितिकी। क्या कहते हैं पॉपुलेशन इसको, इकोलॉजी को? समष्टि पारिस्थितिकी। तो आज हम समष्टि पारिस्थितिकी का अध्ययन करेंगे कि समष्टि किसे कहते हैं, समष्टि पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, समष्टि के लक्षण क्या क्या होते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि समष्टि क्या होती है। ठीक है, अर्थात पॉपुलेशन किसे कहते हैं। तो पॉपुलेशन का जो मतलब होता है, समष्टि का मतलब होता है कि किसी भी निश्चित क्षेत्र में या ये कहते हैं इकाई क्षेत्र में, ठीक है, जितने भी एक ही प्रकार की सजीव जातियों का जो समूह होता है, ठीक है, एक ही प्रकार की सजीव जातियों का जो समूह होता है, संगठन होता है, वह क्या कहलाता है? समष्टि कहलाता है। ठीक है, समष्टि किसे कहते हैं कि इकाई क्षेत्र में उपस्थित सजीव पाती एक ही प्रकार की सजीव प्रजातियों का जो समूह होता है वह क्या कहलाता है? समष्टि कहलाता है। ठीक है, इकाई क्षेत्र में उपस्थित एक ही सजीव जातियों प्रजातियों का समूह, सजीव प्रजातियों का समूह, ठीक है, क्या कहलाता है? समष्टि कहलाता है। अब एक ही प्रकार की प्रजातियों का समूह समष्टि कहलाता है। तो यदि हम देखते हैं कि यदि एक जीव के बारे में बात करें, हम केवल और केवल एक जीव के बारे में, ठीक है, तो उस एक जीव को क्या कहते हैं? तो समष्टि जो है ये कह सकते हैं कि अनेक एक ही प्रकार की पादप प्रजातियों का समूह जिसमें केवल एक ही जाति पाई जाती हो, लेकिन उस समष्टि के एक सदस्य को, एक जाति को, ठीक है, समष्टि जो है समष्टि के एक सदस्य को क्या कहेंगे हम? व्यष्टि। ठीक है, क्या कहते हैं? समष्टि के एक सदस्य को क्या कहा जाता है? व्यष्टि कहते हैं, जिसको कहते हैं इंडिविजुअल। क्या कहते हैं? इंडिविजुअल, ये कहलाता है। यदि ये कहते हैं हम इस प्रकार से कि एक ही प्रकार की व्यष्टियों के समूह को, ठीक है, व्यष्टियों के समूह को क्या कहा जाता है? समष्टि कहते हैं, जो कि केवल और केवल एक निश्चित क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट, समष्टि कैसे कहते हैं पता लग गया। अब बात कर रहे हैं हम समष्टि पारिस्थितिकी अर्थात पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी है क्या? तो पॉपुलेशन इकोलॉजी है कि यह जो है इकोलॉजी, प्लांट इकोलॉजी की एक शाखा है, एक ब्रांच है। तो पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत एक ही प्रकार की पादप प्रजातियों का समूह, एक ही प्रकार की सजीव प्रजातियों का समूह, या ये कहते हैं समष्टियों का समष्टि, तथा उनके पर्यावरण के मध्य होने वाली पारस्परिक अनोन्य क्रियाओं का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उस शाखा को क्या कहते हैं हम? समष्टि पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, अर्थात समष्टि पारिस्थितिकी पॉपुलेशन इकोलॉजी की परिभाषा देखें तो है पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा, पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत एक ही प्रकार की सजीव प्रजातियों यही कहते हैं समष्टि तथा उनके पर्यावरण के मध्य
होने वाली अन्योन्य पारस्परिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे समष्टि पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? समष्टि पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, पारिस्थिति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत एक ही प्रकार की सजीव प्रजातियों या ये कह दे समष्टि तथा उनके पर्यावरण के मध्य होने वाली जितनी भी क्रियाओं का अध्ययन है जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उस शाखा को क्या कहते हैं हम? समष्टि पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी समष्टि पारिस्थितिकी। किसे कहते हैं? समष्टि शब्द की बात करें, पॉपुलेशन शब्द है। ठीक है, पॉपुलेशन वर्ड जो है इसकी उत्पत्ति जो है एक लैटिन वर्ड से हुई। ठीक है, कौन से शब्द चुनिए? एक लैटिन वर्ड है पॉपुलस। ठीक है, क्या है? पॉपुलस। ठीक है, पॉपुलेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है, पॉपुलेशन लैटिन शब्द से हुई है और जिसका अर्थ जो होता है, ठीक है, पॉपुलस का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? पीपल्स। ठीक है, क्या होता है? पीपल्स अर्थात जन या लोग। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? लैटिन शब्द है पॉपुलस। पॉपुलस का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? पीपल्स, जन या लोग से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, तो ये है समष्टि और समष्टि पारिस्थितिकी की परिभाषा। ठीक है, नोट डाउन कर लेना ये। नेक्स्ट देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर आता रहता है 5 नंबर का, ये समष्टि के लक्षण। ठीक है, ये समष्टि के क्या लक्षण होते हैं, समष्टि की क्या विशेषताएं होती हैं, समष्टि के लक्षण या विशेषताएं, समष्टि के लक्षण या विशेषताएं क्या है? तो हम ये समष्टि के लक्षण के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे उससे पहले पता होना चाहिए समष्टि के लक्षण क्या होते हैं। तो अभी अभी हमने देखा समष्टि की परिभाषा के अंतर्गत, इंट्रोडक्शन के अंतर्गत, कि समष्टि जो होती है, ठीक है, तो एक समान जातियों का एक संगठित समूह होता है। ठीक है, एक समान जो जाति है उसका क्या होता है? एक संगठित समूह होता है जो एक निश्चित स्थान पर सीमित रहता है, एक निश्चित एरिया को क्या करता है? कवर करता है। अब इस स्थान पर रहने वाली जो समष्टि है उसकी एक विशिष्ट पहचान होती है। ठीक है, उसकी क्या होती है? एक विशिष्ट पहचान होती है। अब यह पहचान किसके अंतर्गत देखी जाती है, किस के द्वारा इसकी पहचान की जाती है? तो इस समष्टि की जो पहचान की जाती है उनके शारीरिक कार्य, उसमें उत्पन्न होने वाले लक्षणों आदि के द्वारा इस समष्टि की पहचान की जाती है, जिसको ही हम क्या कहते हैं? समष्टि के लक्षण कहते हैं। ठीक है, अब समष्टि के लक्षण जो है वो क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं। ठीक है, जैसे समष्टि का कौन कौन से लक्षण होते हैं देखते हैं एक बार में। पहला जो लक्षण है वह क्या है? समष्टि घनत्व। ठीक है, समष्टि घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी। सेकेंड, जन्म दर अर्थात बर्थ रेट या ये कह दें नेटेलिटी। नेक्स्ट, थर्ड, मृत्यु दर जिसको क्या कहते हैं हम? डेथ रेट या मोर्टेलिटी। नेक्स्ट, समष्टि दोलन पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन। नेक्स्ट, फिफ्थ, आयु वितरण।
आयु वितरण अर्थात एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट जैविक पारस्परिक क्रिया, जैविक पारस्परिक क्रिया क्रियाएं, जैविक पारिस्थितिक क्रियाएं। नेक्स्ट सेवन समष्टि प्रसार, समष्टि प्रसार। ये जो है मुख्य समष्टि के लक्षण माने जाते हैं, कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन आता है ज्यादातर आपसे, समष्टि किसे कहते हैं तथा समष्टि के लक्षणों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है, तथा इनकी परिभाषाएं बताइए। तो समष्टि के लक्षणों में फर्स्ट है समष्टि घनत्व, जन्मदर, मृत्युदर, समष्टि दोलन, आयु वितरण, जैविक पारस्परिक क्रियाएं, समष्टि प्रसार, ठीक है। तो ये सात आठ पॉइंट हैं, ठीक है, जिनको हम समष्टि के लक्षणों के अंतर्गत करते हैं। इनको एक एक करके देखते हैं कि समष्टि के लक्षणों में क्या है। सबसे पहले देखते हैं हम समष्टि घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में देखें कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। तो समष्टि है, समष्टि का मतलब एक ही प्रकार की सजीव जातियों का संगठित समूह क्या है, समष्टि। जब ये किसी भी निश्चित क्षेत्र में, इकाई क्षेत्र में, कोई भी एक निश्चित एरिया है, ठीक है, उसमें उस समष्टि में उपस्थित पाए जाने वाले सजीवों की जो संख्या है, ठीक है, कि निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले, ठीक है, में उपस्थित सजीवों की संख्या को उस समष्टि का क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं, समष्टि घनत्व कहते हैं, ठीक है। अर्थात देखें समष्टि घनत्व में कि निश्चित क्षेत्र में, निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली, पाई जाने वाली सजीवों की संख्या को, सजीवों की संख्या को समष्टि घनत्व कहते हैं, समष्टि घनत्व कहते हैं, ठीक है। यानी किसी भी निश्चित क्षेत्र में उन सजीवों की संख्या कितनी है, वह उस समष्टि का क्या कहलाता है, समष्टि घनत्व कहलाता है। समष्टि घनत्व जो है एक क्या है, संख्यात्मक मात्रक है, ठीक है, क्या है, संख्यात्मक मान होता है। समष्टि घनत्व को एक निश्चित फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात किया जाता है। समष्टि घनत्व का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वह सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे d बराबर n y a अपॉन t, ठीक है, d बराबर n y a अपॉन t। इस फॉर्मूले के द्वारा समष्टि घनत्व की क्या की जाती है, गणना की जाती है कि किसी निश्चित क्षेत्र में उपस्थित कितने सजीवों की संख्या है तथा उसका घनत्व किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो d बराबर n by a अपॉन t, यहाँ d जो है, ठीक है, d बराबर क्या है, समष्टि घनत्व, ठीक है, क्या है, समष्टि घनत्व। n बराबर क्या है, सजीवों की संख्या, सजीवों की संख्या। नेक्स्ट a बराबर क्षेत्रफल, एरिया, क्षेत्रफल, और t बराबर समय, t बराबर क्या है, समय। तो यह है क्या, समष्टि घनत्व और समष्टि घनत्व का सूत्र। नेक्स्ट देखते हैं जन्मदर, सेकंड जो है वो है जन्मदर, बर्थ रेट या मैटरनिटी। तो जन्मदर के बारे में हम जानते हैं कि जन्मदर किसे कहते हैं, कि जन्मदर जो है कि किसी निश्चित क्षेत्र में इकाई समय में उत्पन्न संततियों की संख्या, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में, निश्चित क्षेत्र में, निश्चित समय में या इकाई समय में उत्पन्न संततियों की संख्या को क्या कहते हैं, जन्मदर कहते हैं, ठीक है। अर्थात निश्चित क्षेत्र में, निश्चित क्षेत्र में इकाई समय में या निश्चित समय में उत्पन्न
उत्पन्न संततियों की संख्या को, संततियों की संख्या को जन्म दर कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। ठीक है, निश्चित क्षेत्र में इकाई समय में उत्पन्न संततियों की संख्या को क्या कहते हैं, हम जन्म दर कहते हैं। या दूसरी परिभाषा देखें जन्म दर की, कि निश्चित समय में, निश्चित समय में प्रति 1000 व्यक्तियों पर, 1000 व्यक्ति पर उत्पन्न संततियों की संख्या को, उत्पन्न संततियों की संख्या को जन्म दर कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। ठीक है, निश्चित समय में प्रति 1000 व्यक्ति पर उत्पन्न संततियों की संख्या को क्या कहा जाता है, जन्म दर कहते हैं, नेटिलिटी कहते हैं। नेटिलिटी में फॉर्मूला होता है, ठीक है, जन्म दर बराबर, जन्म दर बराबर उत्पन्न संततियों की संख्या, उत्पन्न संततियों की संख्या बटे समय, समय मल्टीप्लाई 100। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या 100। तो इस सूत्र के द्वारा जन्म दर को क्या कर सकते हैं, कि निश्चित समय में कितने संततियों की संख्या उत्पन्न हुई है उसका अनुपात क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या है, मृत्यु दर, डेथ रेट और मॉर्टेलिटी, कि डेथ रेट है क्या, जिस प्रकार से जन्म दर होती है उसी प्रकार से मृत्यु दर भी होती है। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी वातावरण हो, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों चलते हैं। तो मृत्यु दर में देखें कि निश्चित समय में, इकाई समय में मृत व्यक्तियों, मृत संततियों की, ठीक है, या मरने वाले, मरने वाले सजीवों की संख्या को, मरने वाले सजीवों की संख्या को क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं, या ये कहते हैं निश्चित समय में प्रति 1000 व्यक्ति पर मृत व्यक्तियों की संख्या, मृत संततियों की या सजीवों की संख्या को क्या कहा जाता है, मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। मृत्यु दर का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, मृत्यु दर का मरने वाले सजीवों की संख्या या मृत सजीवों की संख्या बटे समय मल्टीप्लाई 100। तो इस प्रकार से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, मृत्यु दर को क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो निश्चित क्षेत्र में इकाई समय में मरने वाले सजीवों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं, या निश्चित समय में प्रति 1000 व्यक्ति पर मृत सजीवों की संख्या को क्या कहा जाता है, मृत्यु दर। और मृत्यु दर डेथ रेट जो है किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, मृत सजीवों की संख्या बटे समय मल्टीप्लाई 100 के द्वारा इसको ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है जन्म दर और मृत्यु दर जो है किसी भी समष्टि को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है, समष्टि घनत्व को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर का हमने पढ़े कि एक पॉइंट और आता है, जन्म मरण सूचकांक। ठीक है, जन्म मरण सूचकांक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप नंबर का पूछ लेते हैं एग्जाम में, वाइटल इंडेक्स। ठीक है, क्या जन्म मरण सूचकांक, वाइटल इंडेक्स, इसको ये क्या है होता है, यह जो है जन्म दर किसी भी निश्चित क्षेत्र में, ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों के अनुपात को क्या कहा जाता है, वाइटल इंडेक्स, जन्म मरण सूचकांक कहा जाता है। अर्थात VI बराबर जन्म दर अर्थात बर्थ रेट बटे मृत्यु दर, मृत्यु दर मल्टीप्लाई 100। ठीक है, वाइटल इंडेक्स बराबर बर्थ रेट अपॉन डेथ रेट मल्टीप्लाई 100 के द्वारा हम वाइटल इंडेक्स को क्या
कर सकते हैं कि जन्मदर सूचकांक कहलाता है। तो परिभाषा क्या होगी इसकी, जन्म दर तथा मृत्यु दर के अनुपात को क्या कहते हैं, जन्म मरण सूचकांक या वाइटल इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो तीन पॉइंट हो गए हमारे, समष्टि घनत्व, जन्म दर और मृत्यु दर। ठीक है, नेक्स्ट जो है वह क्या है, फ्लक्चुएशन। ठीक है, क्या है, फ्लक्चुएशन अर्थात समष्टि दोलन। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है फोर्थ पॉइंट वो क्या है, समष्टि दोलन पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन। तो फ्लक्चुएशन ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, अनिश्चित स्थिति। ठीक है, परिवर्तनशील स्थिति अर्थात ये कहते हैं कोई भी समष्टि हो, कोई भी समष्टि पारिस्थितिकी हो उसमें समष्टि जो है कभी भी सजीवों की संख्या, जन्म दर, मृत्यु दर कभी भी निश्चित नहीं होती, एक समान नहीं होती, वे क्या होती है, समष्टि घनत्व घटता या बढ़ता रहता है, अर्थात वह निश्चित न होकर कैसा होता, परिवर्तनशील होता है। इसी परिवर्तनशील अवस्था को क्या कहा जाता है, समष्टि दोलन कहते हैं, पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन कहते हैं, अर्थात समष्टि के में। ठीक है, कोई भी समष्टि है उन समष्टि में होने वाले परिवर्तनों को समष्टि दोलन कहा जाता है। ठीक है, कैसे कहते हैं समष्टि दोलन, के समष्टि में होने वाले परिवर्तनों को ही क्या कहा जाता है, समष्टि दोलन कहते हैं, जिसके द्वारा समष्टि घनत्व घटता बढ़ता रहता है या ये कहते हैं परिवर्तनशील होता रहता है। और समष्टि दोलन जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, समष्टि दोलन जो है कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का हो सकता है, एक तो होता है मौसमी समष्टि दोलन। ठीक है, कौन सा, मौसमी समष्टि दोलन, और सेकंड जो होता है वह क्या होता है, वार्षिक समष्टि दोलन, वार्षिक समष्टि दोलन। ठीक है, मौसमी समष्टि दोलन और सेकंड जो होता है वह क्या होता है, वार्षिक समष्टि दोलन। और मौसमी समष्टि दोलन क्या होता है कि किसी भी समष्टि का आकार जो है निश्चित नहीं होता, इसी को क्या कहते हैं, दोलन कहते हैं। लेकिन जब समष्टि का आकार जो है किसके कारण परिवर्तनशील हो, जलवायु परिवर्तनों के कारण, जलवायु कारणों के कारण, कारकों के कारण क्या होता, परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, मौसमी समष्टि दोलन कहते हैं। अर्थात जब समष्टि का आकार जलवायु के कारकों के कारण परिवर्तन होता रहता है या घटता या बढ़ता रहता है, उसको क्या कहेंगे, समष्टि मौसमी समष्टि दोलन कहते हैं। सेकेंडली जो है वो क्या कहलाता है, वार्षिक समष्टि दोलन। ठीक है, क्या है, वार्षिक समष्टि दोलन, के जब समष्टि का आकार, ठीक है, या घटना या बढ़ना जलवायु के परिवर्तनों अर्थात समय के आधार पर, इसके आधार पर, समय के आधार पर, कि सर्दी में समष्टि घनत्व समष्टि का आकार अलग होगा, और गर्मी में समष्टि घनत्व का आकार अलग होगा, अर्थात जलवायु के जो परिवर्तन होते हैं या जीवन जो आंतरिक परिवर्तन होते हैं, किसी भी समष्टि के आंतरिक परिवर्तनों के कारण समष्टि का जो परिवर्तन होता रहता है, उस समष्टि के परिवर्तन को भी क्या कहते हैं, हम वार्षिक समष्टि दोलन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, समष्टि दोलन। थर्ड जो है, नेक्स्ट जो है समष्टि का लक्षण, वह क्या है, आयु वितरण, एज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आयु वितरण पर आता रहता है कि किसी भी समष्टि का जो आयु वितरण है वो किस पर डिपेंड करता है, उस समष्टि में उपस्थित सजीवों पर। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है, उस समष्टि में सजीवों के ऊपर निर्भर करता है, उनकी आयु पर निर्भर करता है। ठीक है, अब यह आयु वितरण है, ठीक है, क्योंकि एक समष्टि में एक समान प्रकार के सजीव नहीं पाए जाते, जाति एक है लेकिन उनमें कुछ परिवर्तन होते हैं, उनकी आयु क्या होती है, अलग अलग होती है। कुछ सजीव जो है वो कैसे होते हैं, अलग आयु के होते हैं जन्मात्मक स्तर पर, ठीक है, कुछ जो है प्रौढ़ स्तर पर, वृद्ध स्तर पर, ठीक है, वृद्ध स्तर पर, अलग अलग स्तर पाए जाते हैं, युवा सदस्य होते हैं, जिसके कारण समष्टि का जो आयु वितरण है वो कैसा होता है, अलग अलग प्रकार का पाया जाता है अलग अलग समष्टियों में, जो कि जो है आयु वितरण जो है अनेक कारकों को प्रभावित करता है, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर आदि को प्रभावित करता रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, आयु वितरण। नेक्स्ट, जैविक पारस्परिक क्रियाएं। तो जैविक पारस्परिक क्रियाएं हम जानते हैं किसे कहते हैं,
कि कोई भी समष्टि के सभी सदस्य जो हैं वह अपने अपने साथ सजीवों के सदस्यों के साथ अनेक प्रकार की पारस्परिक क्रियाएं करते हैं, ठीक है, तथा उनके वातावरण के मध्य भी अनेक प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। इन अन्योन्य क्रियाओं को ही क्या कहा जाता है, जैविक पारस्परिक क्रियाएं। अर्थात किसी भी समष्टि में, ठीक है, सजीवों के मध्य एक ही प्रकार की सजीव जातियों के मध्य तथा उनके वातावरण के मध्य होने वाली क्रियाओं को ही क्या कहा जाता है, जैविक पारिस्थितिक क्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट जो है लास्ट समष्टि का लक्षण, समष्टि प्रसार, ठीक है, क्या है, समष्टि प्रसार, ठीक है, अर्थात पॉपुलेशन डिस्पर्सन। समष्टि प्रसार क्या है कि समष्टि प्रसार एक समष्टि में जो समष्टि होती है वो कैसी होती है, स्थानिक होती है, एक ही जगह पर पाई जाती है, एक निश्चित एरिया को कवर करती है, ठीक है। हमने बताया कि समष्टि जो है निश्चित क्षेत्र में पाई जाती है, इस निश्चित क्षेत्र में सजीवों के सदस्य जो हैं एक ही समष्टि के जो सदस्य होते हैं वो क्या है, उनका प्रसार क्या है, वह किस प्रकार से वहां पर निवास करते हैं, ठीक है, उनके सदस्यों के जो है वह किस प्रकार से कितनी दूरी पर स्थित हैं, ठीक है, उनके मध्य कैसी दूरी है, समान दूरी है, असमान दूरी है, इसके आधार पर, ठीक है, उसको ही क्या कहते हैं, समष्टि प्रसार कहते हैं। समष्टि प्रसार जो है वो कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का, ठीक है, कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट जो समष्टि प्रसार है वह क्या क्या होता है, नियमित समष्टि प्रसार, ठीक है, नियमित समष्टि प्रसार। सेकंड जो है वह होता है अनियमित समष्टि प्रसार, अनियमित समष्टि प्रसार। थर्ड जो है वह होता है सहकुंजन समष्टि प्रसार, सहकुंजन समष्टि प्रसार, ठीक है, तीन प्रकार का समष्टि प्रसार है, ठीक है। नियमित समष्टि प्रसार किसे कहते हैं कि जब किसी भी निश्चित क्षेत्र में या समष्टि में सभी सदस्य जो हैं आपस में एक समान दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है, किसी भी समष्टि में समष्टि के जो सदस्य हैं, जो व्यष्टि है, एक सदस्य है दूसरे सदस्य से समान दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस प्रकार के समष्टि प्रसार को क्या कहा जाता है, नियमित समष्टि प्रसार कहते हैं। प्रकृति में इस प्रकार का समष्टि प्रसार प्रायः देखा नहीं जाता है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल से नियमित समष्टि प्रसार प्रकृति द्वारा प्राकृतिक वातावरण में नहीं देखा जाता है। यह कुछ एग्जाम्पल है, जैसे एक एग्जाम्पल है समष्टि प्रसार का मानव प्रतिबंधन स्थल, मानव प्रतिबंधित स्थल, ठीक है, जो कि आर्टिफिशियल रूप से बनाए जाते हैं, जैसे खेल खलियान, ठीक है, खेल या खलियान में इस प्रकार का नियमित समष्टि प्रसार देखा जा सकता है कि यहाँ पर देखें जो पादप में जैसे गेहूं की फसल हो रही है तो गेहूं के एक सदस्य दूसरे सदस्य से लगभग समान दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार का समष्टि प्रसार खेत बाग बगीचों में आदि में देखा जा सकता है। दूसरा जो होता है वह क्या होता है, अनियमित समष्टि प्रसार, ठीक है, अनियमित समष्टि प्रसार जो है कि वह समष्टि जब एक व्यष्टि दूसरे व्यष्टि से असमान दूरी पर स्थित हो, इसमें तो समान दूरी पर स्थित होते हैं, इसमें क्या होता है असमान दूरी पर स्थित होते हैं, लेकिन एक व्यष्टि का एक सदस्य का दूसरे व्यष्टि दूसरे सदस्य से संबंध स्थापित होता है, आपस में वह एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं, ठीक है, सॉरी नहीं हो सकते, इस प्रकार के सब प्रसार को क्या कहते हैं, अनियमित समष्टि प्रसार कहते हैं, जैसे जंगल, ठीक है, इस प्रकार का समष्टि प्रसार क्या कहलाता है, जंगल कहलाता है, ठीक है। दोबारा सुनिए कि जब समष्टि में सभी सदस्य आपस में एक समान दूरी पर स्थित नहीं होते हैं, एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं, उस प्रकार के प्रसार को क्या कहते हैं, अनियमित समष्टि प्रसार कहते हैं। इस प्रकार का समष्टि प्रसार जो है जंगलों में देखा जा सकता है, जहां पर सभी पादप यह समान रूप पर स्थित होते हैं और आपस में एक दूसरे से संबंधित नहीं हो सकते। नेक्स्ट जो है वह क्या है, सहकुंजन समष्टि प्रसार, इसमें जो है कि सभी सदस्य समष्टि में उपस्थित सभी सदस्य
एक समान बिंदु पर उपस्थित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। एक व्यक्ति का एक सदस्य का दूसरे सदस्य व्यक्ति से संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इस प्रकार के समष्टि प्रसार को सहसंयोजन समष्टि प्रसार कहते हैं। ठीक है, तो तीन प्रकार के समष्टि प्रसार, नियमित, अनियमित और सहसंयोजन। तो ये है आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, समष्टि पारिस्थितिकी के समष्टि किसे कहते हैं और समष्टि के विशिष्ट लक्षण या विशेषताएं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पिरामिड्स वगैरह पढ़ेंगे। थैंक यू।